नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं हूं रीमा। यूपी की संगम नगरी प्रयागराज में फाफामऊ थाना क्षेत्र के गोहरी गांव में दंपति और उनके दो बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतकों में एक युवती भी शामिल है। एक ही परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या की घटना से गांव में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में आला अधिकारी मौके पर पहुंचते ही डॉग स्क्वाड के माध्यम से पुलिस छानबीन में जुट गई है। दरअसल गोहरी गांव निवासी फूलचंद्र पासी मजदूरी करके परिवार चलाते थे। बुधवार की रात फूलचंद सहित उनकी पत्नी मीनू, पुत्री सपना और शिव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि फूलचंद और उसका परिवार बुधवार की रात सभी सदस्य खाना पीना खाने के बाद घर में सोए हुए थे। देर रात मकान के चारों तरफ बनी छोटी चार दीवारी लांघ कर पहुंचे बदमाशों ने धारदार हथियार, चाकू, कुल्हाड़ी और रॉड आदि से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे आसानी से फरार हो गए। जब घटना की जानकारी सुबह हुई तो गांव में सनसनी फैल गई। फिलहाल सूचना पाकर DIG सहित तमाम अधिकारी और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है। पुलिस ने पूरे गांव में छानबीन के साथ ही लोगों से पूछताछ की। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मोहनगंज में यहां पर चार लोगों के मृतक लोग मिले हैं, उनकी लाश मिली है घर के अंदर। इन चारों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया दिखाई दे रहा है। गहरी चोट के, गंभीर चोट के निशान है। इन सभी लोगों को देखा गया, तीन लोगों के बाहर वाले बरामदे में है और एक लड़की है उसके घर के अंदर है। तो इन सभी लोगों के आज सुबह ही पता चला, हमें सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम यहाँ पर आई है और इसके बाद से जो मृतक लोग हैं उनकी पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और किन कारणों से इस तरह से हुई है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आएगी। इसके अलावा जो सूचना मिली है, जैसा कि परिवार के जनों द्वारा बताया गया और हमने भी रिपोर्ट में देखा है कि 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC ST के केस लिखवाया है। वो केस देखा गया है, उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत कठोर कार्रवाई करेंगे। संदिग्ध लोगों को इनके नाम के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके इस घटना का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। चार लोग जो मरे हैं, क्या उम्र होगी और कौन कौन लोग हैं? 50 वर्ष के आसपास हैं जो घर के मालिक हैं, उनकी पत्नी है जिनकी उम्र लगभग 45 साल है और एक बच्ची है जो 17 साल की है, एक लड़का है जो लगभग 13 साल का। कुछ वजह पता चल चुकी है? इस घटना के कारणों के बारे में थोड़ा समय दीजिए, हम लोग करके बताएंगे। पुलिसकर्मियों की कुछ कार्रवाई वैसे बता रहे हैं। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जनसंदेश टाइम्स।